आइए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो है हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का प्रश्न जो है किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले क्या है कि पेपर का एक सेट आएगा, जिस तरह से दिया होगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन पेपर इंग्लिश 2021 ओनली पेपर, ठीक है। ये मतलब एक हाँ बेस है उसका कि इस तरह का पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उनके आगे मार्क्स दिए होंगे, ठीक है, दो दो नंबर के क्वेश्चन दिए होंगे। अब इसमें सबसे पहले आती है रिवॉर्डिंग करने के लिए, किस तरह से आप वाक्य को फ्रेम द करेक्ट करेंगे, यानी उसे सही क्रम में लिखेंगे। ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं वो बिखरे हुए हैं। जैसे पहला वर्ड दिया है कि माई डॉट स्विमिंग मी फादर, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह का पेपर सबसे पहले ये आपके लिए दिया होगा। दो नंबर का आएगा, इसको आपको सही क्रम में लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ हमारा जो है वाक्य माई टायर्ड स्विमिंग विद फादर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर दिया है फादर, यहाँ पर हम करेक्ट कर रहे हैं इसको फादर। इसके बाद में फिर वर्ब डॉट, फादर डॉट, फिर मी फादर। अब यहां पर दिया है माई भी दिया है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा माई, माई फादर डॉट मी, और फिर स्विमिंग ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा माई फादर डॉट मी स्विमिंग। इस तरह से इसको हम फ्रेम द करेक्ट कर देंगे। दूसरा दिया हुआ वाक्य है सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आगे नेगेटिव दिया है कि चेंज इन टू नेगेटिव, दो नंबर का वाक्य आएगा आपको बनाने के लिए। तो इसको आपको कैसे बनाना है, इस वाक्य का आपको नेगेटिव बनाना है। तो सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। गोज जो है मतलब वर्ब में जब ऐसे आई एस लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। यहाँ पर सुनील गोज है यानी कि एक वचन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो जाहिर है कि डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जब हम वाक्य बनाएंगे तो बनेगा सुनील डज नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो इस तरह से ये निगेटिव बना दिया जाएगा। फिर तीसरा इन्होंने यहाँ पर दिया है दिस बुक, और यहाँ पर डॉट 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 रिक्त स्थान है, यहाँ पर आगे लिख दिया है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बिलोंग। यहाँ पर बिलोंग शब्द जो है उसकी सही वर्ब को इस्तेमाल करना है। ये सारे के सारे जो है दो दो नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहाँ पर दिस बुक टू मी दिया है, ये पुस्तक जो है मुझसे संबंधित है, तो दिस बुक एक वचन है, बिलोंग का बिलोंग्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू मी यानी कि मुझसे संबंध रखती है, तो यहाँ पर बिलोंग्स कर दे दिए। फिर नीचे जो है इन्होंने एक दे रखा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको दिया हुआ जो हमारा डायरेक्ट है उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहां पर जब हम इसको बनाएंगे ही शेड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, बाकी हमारा दिया हुआ जो है अफर्मेटिव है, तो यहां बनाएंगे ही शेड दैट कंजक्शन का प्रयोग होगा दैट, और फिर यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है सर, और शेड के बाद में आप कुछ दे नहीं रखा है, तो जाहिर है कि हम यहाँ पर ही सेड टू मी अपने लिए मान सकते हैं, ही सेड टू हर उसको मान सकते हैं, ही सेड टू देम उनको मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि मी मान लिया है, तो मी की अकॉर्डिंग यू आई में बदल जाता है, तो ही शेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, इस तरह से ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बना दिया जाएगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट जब आप मानते हैं तो उसे चाहे तो दर्शा सकते हैं अथवा नहीं दर्शा सकते हैं। अगर दर्शाने का है तो इस तरह से भी बना सकते हैं ही
shared to me that I must work hard. इस तरह से वाक्य इनडायरेक्ट बना दिया जाएगा। इसके बाद में जो है फिर आता है आपका कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द वन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक टेंस मतलब वाक्य दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको राइट प्रपोजिशन जो है वो फिल करना है। किस तरह से करना है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल के लिए दे रखा है द सोल्जर फॉट, फिर स्पेस, फिर करेज। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं बाई, विद और फ्रॉम। बाई का मतलब द्वारा, विद मींस के साथ और फ्रॉम मींस से। अब सोल्जर फॉट मींस सैनिक, लड़ा। किससे लड़ा? बहादुरी के साथ लड़ा। तो बहादुरी के साथ लड़ा, तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन जो है वो विद का उपयोग कर देना है। यहाँ पर द सोल्जर फॉट विद करेज, सैनिक जो है साहस के साथ लड़ा। तो ये प्रपोजिशन जो है दो नंबर का ये आता है, आपको ये भी दो नंबर का दिया है। इसके बाद में फिर आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके बाद में फिर आएगा आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक वाक्य दिया होगा अधूरा वाक्य, उसको आपको पूरा करना है। तो अभी यहाँ पूरा जब करेंगे तो हमने भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रखा है कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में करना है। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज, जब वो कॉलेज से वापस लौटा। ठीक, तो अब इसके आगे का वाक्य आपको भरना है कि जब वो कॉलेज से लौटा तो इस बात को हम कैसे पूरा करें। तो आप इसे ऐसे भी बना के लिख सकते हैं व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही वॉज टायर्ड, जब वो कॉलेज से लौटा वो थका हुआ था। तो व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज ही वॉज टायर्ड। अब इस तरह से वाक्य पूरा कर दिया गया, जब वो कॉलेज से लौटा ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। यहाँ पर आप कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा लगा करके आगे वाक्य बना सकते हैं। तो ये भी जो पूरा करने वाला वाक्य आता है ये भी हमारा दो नंबर का दिया होता है। इसके बाद में ये दिया होगा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो दिए हुए शब्द आएंगे आपको दो, उनकी जो बर्तनी है वो मिस होती है कहीं कहीं पर, तो वो आपको पूरी करनी है। जो स्पेलिंग है वो पूरा करके आपको भरना है। तो पहले इन्होंने दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पर आई एम पी, फिर स्पेस, फिर आर टी, फिर स्पेस, फिर एन टी। तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, पी ओ ए यहाँ पर दिया, इम्पोर्टेंट यानी बर्तनी शुद्ध हो गई। इसके बाद में जी स्पेस, फिर स्पेस, फिर एल टी वाई। अब इसका सेंस निकालेंगे क्या बनेगा, गुलटी। तो जी यू आई एल टी वाई, गुलटी। ये भी आपका ये दो वर्ड्स दिए होंगे भरने के लिए, ये भी आपके दो नंबर के इस तरह से आएंगे। इसके बाद में एक दिया होता है ग्रामर में कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever necessary, जहां पर आवश्यकता हो इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट क्या है, जो दिया हुआ हमारा वाक्य है अगर असर्टिव जा रहा है तो आपको असर्टिव टाइप से इसको बना देना है। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, जो इसके स्टार्ट करने वाले शब्द होते हैं या कोई नेम या प्लेस ऐसा आता है तो हम उनका पहला अक्षर जो है बड़ा लिख देते हैं। अब इसको आप जब पंक्चुएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ही कैपिटल आ जाएगा, ही रोड, ही रोड, फिर क्या लिखा आई। अब इसको यहाँ कैपिटल लिखेंगे आई कैन कम, आई कैन नॉट कम, बिकॉज यहाँ आ जाएगा, बिकॉज आई एम इल, फिर आई एम इल, इस तरह से लिख करके अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया पंक्चुएट। अगर कभी कभी सेंस ऐसा आ जाता है कि यहाँ पर जैसे दिनों में दे दिया कि ही रोड आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम किल, तो हम यहाँ कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बिकॉज उन्होंने पहले ही शो कर रखा है और वाक्य हमारा बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इनडायरेक्ट की स्पीच आ जाती है तो जैसे आप डायरेक्ट लिखते हैं कॉमा वगैरह इन्वर्टेड कॉमा लगा तो उस तरह से आप वाक्य को बना के लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न सूचक वाक्य रख दिया उन्होंने तो आप जैसे इंट्रोगेटिव
वाक्य बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको बना के लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाया जाता है, आई भी कैपिटल लिखी जाती है। इसके अलावा जो प्लेस हो, कोई स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो उसका भी पहला वर्ड हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है। इसके बाद में क्या है कि ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश स्टोरी आती है वो आपको। अब इसके बाद में आता है ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, दिया हुआ दिए हुए वाक्य होंगे मतलब स्टोरी होती है उसको आपको हिंदी हिंदी से अंग्रेजी में बनाना होता है। तो सरल प्राय आपके लिए जो है सही प्रकार की मतलब कुछ इस प्रकार की जो ज्यादा टिपिकल ना हो इस तरह की स्टोरी रखी जाती है। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के में स्टोरी को रख दिया कि रेखा मेरी सहेली, तो रेखा इज माय फ्रेंड, सी पकच्चा साथ में पढ़ती है तो सी रीड्स इन क्लास सेवेंथ, बाहुसियार छात्रा है, सी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, बापराता जल्दी उठती है तो सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद में बात समय से स्कूल जाती है, सी गोज स्कूल इन टाइम, सभी उसे प्रेम करते हैं, ऑल लव हिम। तो इस तरह से एक स्टोरी आती है और लगभग अब तो 8 नंबर की देते हैं, 8 नंबर की बनाने के लिए स्टोरी आती है। तो आप इस तरह से सरल भाषा में दी होती है, आप इसके बाद में इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में आता है आपको लिखने के लिए कि राइट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर और एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन टू योर। अब जैसे यहां पर राइट एन एप्लीकेशन पहले सपोज कर लीजिए, जैसे मान लिया हमने दे दिया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, फॉर फी कंसेशन, अब जैसे इसके बाद में एक आएगा आपको लिखने के लिए इक्वल जो है 8 से 10 नंबर तक का आता है एक एप्लीकेशन या पत्र। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने इसके बाद में स्टोरी के बाद में दे दिया कि एक प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखिए फीस माफी के ऊपर, या चेंज टू सब्जेक्ट कभी कभी होता है कि विषय परिवर्तन के लिए भी देते हैं कि विषय बदलने हैं तो आप प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखिए, या उसके बाद में ऐसा होता है कि कोई पत्र जो है आपको अपने पिताजी के लिए लिखना है, उनसे 500 रुपीज बुक्स खरीदने के लिए मंगाने हैं, या फिर अपने मित्र को गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए कोई पत्र लिखिए। तो इसके प्रांत जो है एक आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए आता है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक आता है कि ऐसे निबंध जिसे कहते हैं राइट एन एसे, राइट एन एसे। अब उन्होंने निबंध लिखने के लिए टॉपिक आपको दे रखे हैं जैसे एन आइडियल टीचर, सबसे इंपॉर्टेंट है एन आइडियल टीचर, आइडियल टीचर एक आदर्श अध्यापक के ऊपर, ठीक है, या फिर उन्होंने दे दिया है कि माई मदर के ऊपर आपको निबंध लिखना है, या इसके बाद में दे दिया कि माई बेस्ट फ्रेंड, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो इसके परांत जो है आपको एक निबंध लिखने के लिए आएगा, और फिर लास्ट में जो है क्या आता है, एक अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज,
अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में क्या है कि अनसीन पैसेज जैसे उन्होंने चार से छह लाइनें या आठ लाइनों का एक टुकड़ा खंड दे दिया आपको और उसके आंसर जो है उसी से छांटने होते हैं। अब उसमें क्या है कि लगभग छह से आठ नंबर का वो देते हैं आपको बनाने के लिए, तो अनसीन पैसेज दे देंगे, नीचे उसके क्वेश्चन दे देंगे। उन्होंने पूछ दिया पहले तो उससे संबंधित पूछते हैं, फिर क्या है फिर उसका जो टाइटल होता है उसको उसके बारे में पूछते हैं कि राइट द टाइटल ऑफ द एबव पैसेज, इसके शीर्षक के बारे में लिखिए, तो टाइटल और या फिर कभी ऐसा होता है कि मेन हेडिंग ऑफ द पैसेज, तो मेन हेडिंग और टाइटल एक ही होता है। उसके बाद में कभी कभी उसमें इटैलिक वर्ड पूछे जाते हैं कि लिखे हुए जो तिरछे शब्द हैं इनका अर्थ बताइए, अगर समानार्थी पूछे जाए तो उसका पर्यायवाची लिख देना है, अगर एंटोनियम्स पूछे जाए तो उसके विलोम शब्द लिख देने। तो इस तरह से आपका हाई स्कूल का जो पेपर है ग्रामर का वो तैयार किया जाता है और इस प्रकार से उसके नंबर डिवाइड किए जाते हैं। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आसानी से अपनी परीक्षा में उसको कर सकते हैं।